Dear students, good morning. Welcome to online class. In the previous video, I was teaching you kinds of sentences according to the construction. And I have already taught you about simple sentence and complex sentence of noun class. Today I am continuing the same topic and going to tell you the adjective class. Complex sentence में noun class को जोड़ने वाले जो conventions थे वो मैंने आप बताए that, what, whatever, person words. एग्जाम्पल्स भी बताए. अब यहाँ पर एडजेक्टिव क्लास को जोड़ने वाले कन्वेंशंस कौन कौन से हैं, तो दो कैटेगरीज में रखते हैं. रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस हु हुम हूज, हु हुम हूज, ये पर्संस के साथ यूज होते हैं. हुम नॉमिनेटिव केस है, हुम ऑब्जेक्टिव केस है, हुम पजेसिव केस है. पर्संस के लिए इनका प्रयोग करते हैं. और विच निर्जीव वस्तुओं के लिए विच का प्रयोग करते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन. दूसरी कैटेगरी में इसमें जो कन्वेंशंस आते हैं वो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं. अब रिलेटिव एडवर्ब जैसे व्हेन है, द टाइम है, वेयर में द प्लेस वेयर, द रीजन बाई एंड द मैनर हाउ, द वे हाउ. इस तरह से चार उसमें रिलेटिव एडवर्ब हैं, टाइम, प्लेस, रीजन और मैनर को शो करने वाले. और इसमें चार रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच पर्संस के साथ में और विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के साथ. नाउ आई एम giving you examples of using these conventions. The boy who studies sincerely. और इसमें underlined जो part है वो adjective class है. जो लड़के लगनशीलता पूर्वक पढ़ते हैं, get brilliant success, अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं. और यहाँ पर जो लड़के, कौन से लड़के, जो लगनशीलता पूर्वक पढ़ते हैं, ये एडजेक्टिव क्लास बयान ही है. दवाइस का क्वालिफाइंग क्लास क्या है? एडजेक्टिव क्लास तो क्वालिफाइंग क्लास ही है. कौन से लड़के, जो लगनशीलता पूर्वक पढ़ते हैं. तो यहाँ पर जो के लिए वाइस के हिसाब से भू लगा. इसमें देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में आई फाउंड द पेन विच वाज स्टोलन. मैंने जो कलम मैंने कल खरीदा था वो प्राप्त कर लिया. आई फाउंड द पेन विच वाज स्टोलन. जो पेन चोरी हो गया था वो मुझे प्राप्त हो गया है, मिल गया है. द पेन, कौन सा पेन, विच वाज स्टोलन, ये क्वालिफाइंग है. ये जो पेन चोरी हो गया था आई फाउंड, मैंने पा लिया है. कौन सा पेन इस तरीके से क्वालिफाइंग एडजेक्टिव क्लास है, क्वालिफाइंग क्लास कहलाता है. द पेन निर्जीव वस्तु है, उसके साथ में विच का प्रयोग. अदरवाइज पर्संस के साथ उनका प्रयोग होगा. द स्टूडेंट्स, ये नॉमिनेटिव केस में था और ये पजेसिव केस में है. हुम ऑब्जेक्टिव केस में. देखिए द स्टूडेंट्स हुज फादर टीच देम, जिन विद्यार्थियों के पिताजी पढ़ाते हैं. आर लकी, भाग्यशाली होते हैं. लकी की पेन को सुनते भाग. कौन से विद्यार्थी भाग्यशाली होते हैं, जिनके पिताजी उन्हें पढ़ाते हैं.
फादर की नाम, तो ये जो है एडजेक्टिव क्लास से ना हो, तो ये हु विद हु और हु वाला सिंपल कर रहा है हु लेट इन माय टाइम, जिस लड़के से तुम मिले वो मेरा दोस्त है, वो काफी नहीं दिया गया था। और रिलेटिव प्रोनाउन में भी रिलेटिव एडवर्ब आई डू नॉट नो द टाइम, मुझे समय नहीं मालूम, वेन ही विल कम, जब वो आएगा, जब वो आएगा मुझे वो समय नहीं मालूम जब वो आएगा। तो यहाँ पर कौन सा समय, जब वो आएगा। आई नो द वे, मुझे तरीका नहीं मालूम हाउ ही इज पास, जिस तरह से वो पास होगा मुझे तरीका मालूम है, जैसे वो जिस तरह से वो पास होगा। नेक्स्ट, इसमें द वे हाउ, मैंने तो शो करने वाला, आई डू नॉट नो द रीजन, रीजन शो करने वाला व्हाई, टाइम शो करने वाला है, और प्लेस को शो करने वाला वेयर, वो स्थान जहाँ रेड फोर्ट है, क्या तुम्हें वो स्थान मालूम है जहाँ रेड फोर्ट है। इन दिस वे I taught you the use of relative pronoun and relative adverb in adjective class. In the next video, I will teach you adverb class of subject sentence. Till then, goodbye. Have a nice day.